हेलो दोस्तों, तो एक और नए मोटो व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम व्लॉग करने वाले हैं टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 के साथ में। तो एक कुछ टाइम के लिए मेरे पास आई है, डिटेल्ड रिव्यूज़ वगैरह तो आपको चैनल पर देखने को मिलेंगे ही, साथ ही कुछ और चीज़ें भी एक्सप्लोर करेंगे इस बाइक के साथ में। जैसे कि मैं अभी एक बाइक के अनवील पर जा रहा हूँ, तो कौन सी वो बाइक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और आप बने रहो मेरे साथ इस व्लॉग में जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मैं दे सकूँ, और साथ में इस बाइक के बारे में भी कुछ बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाइक कर लेते हैं स्टार्ट। साउंड सुनो आप आरटीआर 310 का, कैसा लगा बताना मुझे। तो चलो चलते हैं। भाई रोड पे पानी भर गया है, इसको निकालने हैं। यहाँ पे बारिश के टाइम पे ये दिक्कत बहुत आती है, और एक प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा आती है वो है ये सामने रेलवे क्रॉसिंग। बहुत ज्यादा टाइम ये बंद ही रहता है। अच्छी चीज ये है कि अंडरपास वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि बारिश में फिर और ज्यादा हालत खराब हो जाती है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, ट्रेन आ रही होगी भाई, मालगाड़ी भी आती है यहाँ पे पास में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसके चलते यहाँ पे अक्सर मालगाड़ी जो है वो ज़्यादा खड़ी हुई नज़र आती है। बाकी कुछ और रास्ते भी हैं जो कि बारिश की वजह से थोड़े से ज़्यादा ही ख़राब हैं। इधर से आ रही है तो आप देख पाओगे अभी। वंदे भारत, वंदे भारत भाई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में है। वंदे भारत हमारे इस रूट पर चलती है, रुकती भी है आगे। वैसे यार काफ़ी ज़बरदस्त बनाई है वंदे भारत, पूरा मतलब बुलेट ट्रेन जैसा डिज़ाइन दे दिया है इसको। फास्ट भी काफ़ी है खैर, और काफ़ी सारी चल रही हैं। लेकिन आजकल थोड़ा से रेलवे ट्रैक पे सेफ नहीं है भाई, बहुत ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब चलो तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ एक डीलरशिप पर, जहाँ से मुझे इनवाइट आया है एक बाइक अनवील का। बेसिकली ब्रांड की तरफ से तो बाइक पहले ही लॉन्च हो चुकी है, लेकिन क्योंकि डीलरशिप पे बाद में आती हैं तो डीलरशिप भी अपनी तरफ से लॉन्च इवेंट वगैरह कराते हैं, अनवील वगैरह कराते हैं। तो वही डीलरशिप पे अनवील है, उसी के लिए बुलाया गया है। अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं कौन सी बाइक है। देखो मुझे वैसे पता है कौन सी बाइक है, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी नहीं बताने वाला, सस्पेंस खत्म हो जाएगा ना, मज़ा नहीं आएगा फिर। तो सस्पेंस बना रहना चाहिए भाई। और देखो हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग करने का मन होता है ना, तो ये वाला रास्ता पकड़ते हैं हम। देखो क्या बढ़िया रास्ता है, खड्डे ही खड्डे, पानी ही पानी, मस्त ऑफ रोडिंग करने, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मतलब लद्दाख वद्दाख लोग खामा यार, मेरे इधर आओ। ये देखो तुम्हारी बाइक में बहुत सारे फीचर होते हैं, ये मेरे साथ में आरटीआर 310 है, इसमें बहुत सारे फीचर हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है, एबीएस है, राइडिंग मोड्स हैं, रेन मोड है इसमें। देखो ऐसी रोड कंडीशन होनी चाहिए, सारे मोड आप यहाँ टेस्ट कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल टेस्ट करना वो टेस्ट कर लो, रेन मोड टेस्ट करना वो यहाँ टेस्ट कर लो। तो देखो कितना बढ़िया जल भराव है। अगर मैं इस रोड को भाई ले लद्दाख बता दूँ ना तो लोग यकीन भी कर लेंगे शायद से, क्योंकि पानी इतना बढ़िया भरा हुआ है भाई। ये देखो क्या मस्त पानी भरा हुआ, खड्डे ही खड्डे, सड़क नहीं खड्डे। तो ये मलवा डाल रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा बहुत पानी कम करेंगे। और ये लोकेशन भाई गांव देहात क्षेत्र नहीं है, नगर निगम सिटी है। सामने देख रहे हो, ऊपर देखो आरआरटीएस। एक तरफ आरआरटीएस बन रही है, दूसरी तरफ सड़कों के खड्डे नहीं भरे जा रहे। खैर चलो, तो अभी हम हो रहे हैं थोड़ा सा लेट, तो थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। आप भी बाइक एंजॉय करो। भाई क्या भागती है ये, मतलब तूफान बना रखा है भाई टीवीएस ने। करेंगे बात इसके बारे में डिटेल रिव्यू में, चलने में एक्चुअल कैसी है, क्या अच्छा लगा, क्या कमी लगी। फीचर बहुत सारे दे रखे हैं तो उनके बारे में भी बात करेंगे, वो अलग से वीडियो आएगा, डिटेल रिव्यू आएगा पूरा, देखना अगर आरटीआर 310 के बारे में जानना चाहते हो। कुछ एक चीज़ें ऐसी भी हैं इस बाइक के अंदर जिन पर स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ मैं,
अगर वो देखना चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे कि बता देता हूँ, इसमें आपको टीवीएस ऑफर करता है क्रूज कंट्रोल, तो क्रूज कंट्रोल आता है भाई आरटीआर 310 के अंदर, और इस प्राइस सेगमेंट में किसी और बाइक में आता भी नहीं है। यहाँ देखोगे ना हैंडल बार पे एक बटन दिया हुआ है क्रूज का, तो ये पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ किस तरह से क्रूज कंट्रोल सेट होता है, कितनी स्पीड पे सेट होता है और क्या क्या फीचर आपको इसके साथ में मिलते हैं, तो वो पूरा एक डिटेल वीडियो होगा अलग से क्रूज कंट्रोल के ऊपर। तो अगर आप जानना चाहते हो ना इसके बारे में तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। बाकी कुछ चीज़ें और जाननी थी आप लोगों से, जो लोग मेरे चैनल पर पहले से हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपके लिए नया है, लेकिन जो लोग पहले से हैं वो जानते हैं कि मोटो ब्लॉगिंग मैंने नहीं किया है, मैं डिटेल रिव्यूज़ कंपैरिजंस वगैरह ही करता हूँ, ये मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हो तो आप कमेंट में बताना मुझे कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं इसके साथ में बड़ा कन्फ्यूज़ हूँ। कन्फ्यूज़न इसलिए है क्योंकि मैंने पहले किया नहीं है, और करना मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास अब अलग अलग कंपनी के टू व्हीलर आते हैं, और मोस्टली 5 से 7 दिन तो एक बाइक रहती है, जैसे कि अभी आरटीआर है तो ये मेरे पास 5 से 7 दिन रहने वाली है। तो पहले क्या होता था, मैं सिर्फ डिटेल रिव्यू या एक दो वीडियो कंपैरिजन वगैरह बना लिया और उतना करता था, उसके बाद बाइक जो है चली जाती थी, और उन वीडियोज में भी ना हम बहुत ज़्यादा आप लोगों से बातचीत नहीं हो पाती थी मेरी, क्योंकि अब मेन आप ही लोग देखने वाले हो, और मैं सिर्फ बाइक के बारे में बता के निकल गया, तो आप लोगों से बातचीत करने के लिए मुझे लगता है कि मोटो ब्लॉगिंग शुरू करनी चाहिए। और क्योंकि बाइकें भी अलग अलग आती हैं तो इंटरेस्टिंग रहेगा, एक ही बाइक मैं आपको हर वीडियो में नहीं दिखाने वाला हूं, तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहा है, लेकिन हाँ कन्फ्यूज़न ये है क्योंकि मैंने पहले किया नहीं है तो पता नहीं कैसा होगा। अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, साउंड पता नहीं कैसा आएगा, अब बाद में देखेंगे, और शायद एडिट में साउंड ना आए तो वॉइस ओवर ही करना पड़े। और एक चीज़ जो मैंने देखी है, मतलब एक दो बार पहले ट्राई किया था, वो वीडियो मैंने डाले नहीं, जहाँ पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया और मैंने बाद में वॉइस ओवर किया, तो वो चीज़ ना मैच नहीं होती, मतलब आप बाइक चलाते हुए जो चीज़ फील करते हो, जो बात करते हो ना, वो एक अलग होती है, और आप बाद में एडिटिंग के टाइम पे वॉइस ओवर करते हो ना, वो चीज़ें फील नहीं होती। मतलब अभी रोड कंडीशन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, खड्डे थे, पानी भरा हुआ था, तो मैं उनके बारे में बता रहा था आपको, और या फिर अभी आगे जैसे लोग चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, यहाँ के बारे में जो बातें होती हैं वो अभी ऑन कैमरा हो जाती हैं, बाद में वॉइस ओवर के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हो पाती। आगे ऊपर देख लो RRTS जा रही है, वो शायद आपको दिख गई होगी, तो चालू हो चुकी है हमारे यहाँ पे गाज़ियाबाद से, ये अभी मोदी नगर तक शायद चालू हो गई है, आगे मेरठ तक हो जाएगी, तो काफ़ी लंबा प्लान है इसका। मेट्रो के कंपैरिजन में काफ़ी फास्ट है भाई, एक बार बैठा हूँ मैं इसमें, हालांकि जो इसका यानी कि किराया है वो थोड़ा सा ज़्यादा है मेट्रो के मुकाबले। कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कम होगा, क्योंकि मैंने आज तक इंडिया में जितनी चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं वो यही है कि एक बार किसी चीज़ का प्राइस अगर आ गया है ना तो उससे कम नहीं होता, वो बढ़ता ही है, या तो वो उतने भी मेंटेन रख लेंगे या फिर उसको बढ़ा देंगे। कम का आज तक मैंने कोई सीन नहीं देखा कि हाँ कोई चीज़ आई और उसकी प्राइस कम हो गई, नहीं देखा मैंने। आगे आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस पर, आप मुझे कमेंट में बताओ। एक बड़ी प्रॉब्लम है यार मेरे साथ में, मैं ना जब कोई व्हीकल आता है मंगाता हूं, उससे पहले बहुत सारी चीजें प्लान करता हूं कि ऐसे ऐसे वीडियो करूंगा, ये कंटेंट करूंगा, वो कंटेंट करूंगा, और बहुत बार ऐसा होता है कि मैं प्लान करके रखता हूं कि इतनी इतनी वीडियो जो है मैं इस टॉपिक पे करूंगा, और जब प्रोडक्ट आ जाता है तो बड़ी दिक्कतें नज़र आती हैं। पहला तो टाइम ही नहीं मिल रहा यार करने का, और उसके बाद में अगर टाइम निकालो भी तो शूट के टाइम पे भूल जाता हूँ यार कि क्या क्या टॉपिक करने पे कवर, तो बड़ी दिक्कत है यार, ये मेमोरी का मतलब बड़ा इशू है। और ये अब आई है तो इसको मेरे पास हो गए हैं 2 दिन, आज 3रा दिन है, 2 दिन हो चुके हैं अभी तक, ये पहला व्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं इस पर, अभी तक मैंने इस पर ना बीरोल लिए हैं, ना ट्रैकिंग लिया, कुछ नहीं किया है इसके साथ में, आज पहला व्लॉग शूट कर रहा हूँ, और आज मैं मतलब घर से वैसे प्लान करके चलाऊँ कि इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस तो आज मैं करके जाऊँ, जिससे कि थोड़ा बहुत कॉन्टेंट तो बने यार इसके ऊपर, क्योंकि ये बाइक ऐसी है तो बहुत सारे फीचर दे रखे हैं, और सिर्फ डिटेल रिव्यू अगर बनाने जाऊंगा ना, और डिटेल में सबकी बात करूंगा भाई, कम से कम आधे घंटे का वीडियो बन जाएगा, तो मैं इसलिए ना इसको पार्ट्स में करने वाला हूँ, इसके कुछ चीज़ें जो हैं वो पार्ट्स में बताने वाला हूँ, मतलब डेडिकेटेड वीडियो होगा उनके लिए, 3 से 5 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, 3 से 5 मिनट में अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कि क्या चीज़ किस तरह से काम करती है, कितनी एक्यूरेट कर रही है, कितनी एक्यूरेट नहीं है, तो वो सारी बात कर लेंगे।
भाई अपन पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। ये खड़ी हुई है रेंज रोवर और ये है लोकेशन जो कि है शिवा बजाज गाजियाबाद। तो ये है बजाज का शोरूम जहां से हमें इनवाइट आया था। बाइक कहाँ खड़ी करे भाई, वहां तो बाइक लगी हुई है, केटीएम के सामने करते हैं। तो भाई यहाँ पे दो शोरूम है, ये एक शिवा बजाज ही है मतलब वैसे तो, क्योंकि केटीएम बजाज के साथ ही है तो इधर केटीएम है उधर बजाज है। तो चलो अंदर चलते हैं और अपने आरटीआर को यहाँ पर खड़ी करते हैं। क्या भाई बजाज ने अनवील कर दी है पल्सर एनएस 400Z। बेसिकली डीलरशिप ने अनवील करी है, बजाज तो ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है। काफी जबरदस्त मोटरसाइकिल है, 1,85,000 रुपए एक शोरूम प्राइस में आती है और यहाँ शिवा बजाज गाजियाबाद पे लगभग 2,27,000 रुपए में ऑन रोड आ रही है। क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है उनके बारे में ना अलग से वीडियो करूंगा मैं बाइक के ऊपर, डिटेल रिव्यू वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो एक ही चीज करने भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन। पल्सर एनएस 400Z रिसेंटली लॉन्च हुई है और ये अपने दीपक भाई हमसे पहले आ गए। भाई कैसे हो? मैं बढ़िया। तो देखो कवर वाले जितने भी शॉट तुम देख रहे हो वो इन भाई साहब ने लिए थे क्योंकि हम तो हो गए लेट। बाकी पल्सर एनएस 400Z है, इसके बारे में बात करेंगे आगे। तो भाई शिवा बजाज वालों ने तो पल्सर एनएस 400Z अनवील करी दी है, दीपक भाई हमसे पहले आ गए थे। खैर दीपक भाई बताओ यार क्या है, मतलब खास है कुछ? देखो खास मेरे हिसाब से एक ही चीज लगी, बाकी सारी चीजें तो सब देखते हैं। फीचर्स के बारे में मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि फीचर्स तो और भी गाड़ियों में मिलेंगे। प्राइस भाई 1,85,000 रुपए में तुम्हें 400cc में तो ना मिलने की है। हालांकि बजाज यही खेल गया है, बजाज बस प्राइस में खेल गया, बाकी 400cc दे दी तुम्हें 1,85,000 में, 1,85,000 में बाकी फीचर तो कोई भी दे देगा सारे ब्रांड पे। लेकिन देखो RTR 310 में और इसमें ना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा नहीं है कि बजाज ने एकदम परफेक्ट चीज बना दिया, बहुत सारी कमियां मिलेंगी, अभी आएंगे उसके ऊपर। अच्छा ये बताओ, आप बताओ मुझे कि अगर सपोज बजाज ने इन फ्यूचर अपडेट किया और इसमें क्रूज कंट्रोल दिया तो कितना प्राइस बढ़ेगा? भाई बजाज देगा ही नहीं, बजाज देगा ही नहीं, बजाज की चलो मान लिया नहीं। एक बजाज की सबसे खराब चीज बताता हूँ, बजाज के शोरूम में खड़े होकर बोल रहा हूँ, एक बाइक लॉन्च कर देंगे ठीक है, उसको फिर भूल जाएंगे। बहुत बढ़िया। ये एनएस 400 है, एग्जाम्पल के लिए आर एस 200 देख सकते हो, बहुत जबरदस्त मोटरसाइकिल है लेकिन 10 साल से अपडेट ही नहीं करी है। अरे हाँ, जो कि कस्टमर अपडेट मांग रहे हैं। डिमांड है आर एस की, ज्यादा डिमांड है ना, ज्यादा डिमांड, अपडेट ही नहीं कर रहे। सेम हाल इसका होगा, लॉन्च हो गई है, लॉन्च हो गई है, प्राइस आ गया है, इतने पे बिकेगी, खरीदते रहो। अरे यार अपडेट तो बता दूं, डोमिनार 400 कौन जानता है भाई, सेम इंजन सब कुछ इसमें डोमिनार वाला डाल दिया है तो भाई डोमिनार कौन लेगा। खैर भाई ये व्लॉग है तो यहाँ पर बाइक के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। छोड़ो एक और चीज तो बता यार, जब इनने अपना वही वही पावर आवर दे दी इसमें, वो कौन खरीदेगा डोमिनार? ये पब्लिक कमेंट में बताएगी यार भाई डोमिनार का क्या होगा, क्योंकि पल्सर एनएस 400 आ चुकी है तो भाई डोमिनार कौन लेने वाला है, कमेंट करके बताओ। अब इस वीडियो को ना ब्लॉग को मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में भी कहा था भाई स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लंबे व्लॉग में नहीं बनाने वाला, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट देखते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है ना इस तरह का कंटेंट तो आप मुझे कमेंट करो, फिर आगे ना मैं इसी तरह की चीज़ें आपके लिए लेकर आता रहूँगा। बाकी वीडियो यहीं एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना।